ये देखो, और टेंपल तो अभी बहुत दूर, इधर से तो दिखेगा नहीं अपने को टेंपल, इतना मजबूत लाइन है। हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है 8 मार्च, महाशिवरात्रि है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सबका मैं अभिषेक उत्तेकर व्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो अभी सुबह के 6 बजे मैं भी रेडी हो गया हूँ। अभी अपने को जाना है बाबूलाल टेम्पल, पर उसके पहले यहाँ पे शिव को जल चढ़ा के अपने को निकलना है। तो ऐसा कुछ अपना आरती का थाली रेडी है, अभी इधर अगरबत्ती वगैरह लेना है, तो अगरबत्ती वगैरह लेता हूँ। मेरे घर के सामने शिव टेम्पल है, वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे जाके पहला आरती करूँगा, आशीर्वाद लूँगा, और फिर यहाँ से दर्शन करने के लिए चले जाऊँगा। तो जब अपना फास्ट भी है, तो दिन भर फास्ट है, तो थोड़ा एनर्जी भी सेव करना है। कल सुबह मॉर्निंग में मैं फास्ट छोड़ने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं आज अपना दिन कैसे निकलता है। तो देखो, ये मेरे घर के जस्ट बाजू में शिवलिंग है, और देखो यहाँ पे भी अपन जाके भोलेनाथ जी का दर्शन करेंगे। वो आरती का थाली रेडी है मेरा। यहाँ पे हनुमान जी और गणपति जी का भी मंदिर है। देखो मस्त टेम्पल है। तो भाई अभी मैं और मेरा दोस्त चंदन देखो इधर पीछे है, हम लोग निकल गए, दोनों ने दर्शन सुबह सुबह कर लिए। शिवलिंग हम लोग के घर के पास ही है, वहाँ पे जल चढ़ा के अभी बाबूलनाथ टेम्पल जा रहे। कैसा लग रहा है भाई? बहुत मस्त, पॉजिटिव वाइब। पॉजिटिव वाइब तो और पॉजिटिव करने के लिए आज के दिन एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, तो उसको गेन करने के लिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ गए। इधर तो बाबूलनाथ जाते हैं, इधर से स्टेशन जाते हैं, एक्टिवा निकलता हूँ, दोनों पहले स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ के फिर आपसे बात करते हैं। हर हर महादेव। तो भाई हम दोनों आ गए मुंबई से। अगर आप आ रहे हो तो आपको दादर से चेंज करना पड़ेगा, दादर पर कहीं से भी चेंज करो, ग्रैंडर सबसे नज़दीक है। तो अभी हम लोग ग्रैंड रोड उतर गए, अभी देखते हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही दिखा रहा है, चल के जाने में भी कोई वांदा नहीं, या टैक्सी कर लेंगे। तो चलो जो भी मिलता है करके फिर आपको मिलता हूँ। मुंबई से आ रहे हो तो दादर उतरना है, दादर से चेंज करके ग्रैंड रोड, सबसे नज़दीक स्टेशन है ग्रैंड रोड, ट्रेन से अगर आप आ रहे हो तो। भाई साहब हम लोग का तो पोपट हो गया, इतना मजबूत, आधा किलोमीटर दूर तक लाइन है। ये देखो, और टेंपल तो अभी बहुत दूर, इधर से तो दिखेगा नहीं अपने को टेंपल, इतना मजबूत लाइन है। हम लोग का नंबर आ गया, लाइन में नंबर आ गया, लाइन देखो दूर दूर तक नजर आएगा वहाँ तक लाइन ही है। देखते मेरे ख्याल से 4 घंटे तो लगेंगे दर्शन के लिए, 1 किलोमीटर का तो लाइन है ऑलमोस्ट, देखते। तो अभी सुबह के 8 बजे, अभी देखते हैं हम लोग के दर्शन कभी होते हैं, आपको अपडेट देता हूँ। 8 बजे हम लोग लाइन में लग गए, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का लाइन है। तो अभी हम लोग के दर्शन कभी होते बताता हूँ आपको। पूरा बाजू से हाईवे जा रहा है, हाईवे पे पूरा लाइन है। देखो एटलीस्ट मंदिर के पास आ गए, बट अभी इतना पूरा घूम के जाना है सामने से। 10:45 हो गया, ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया हम लोग को लाइन में लगे हुए, अभी और आगे 2-3 घंटा लग सकता है। चलो देखते हैं कभी दर्शन होएंगे। भाई 2 घंटा हो गया, एग्जैक्ट 10 बजे हो गए, अभी मैं एंट्री पे आ गए। देखो पीछे नाम दिख रहा है आपको, बाबूलनाथ मंदिर एंट्री पे अभी आ गए। देखो पीछे टेम्पल है। 2 घंटा हो गया, कितना बजा? 2:05 एग्जैक्ट हो गया, अभी हम लोग तो गेट पे आ गए। तो इसके बाद थोड़ा डाइवर्ट किया लाइन, देखते दर्शन कभी होते हैं। एक्साइटेड है भाई? तो भाई लाइन में एक अच्छी चीज़ है, वो प्रसाद वगैरह मिल रहा है फ्री में, पानी वगैरह मिल रहा है, साबुदाना की खिचड़ी मिला ना, फिर अभी केला भी मिला है। भाई ने जेब में कैसे निकाल जेब से निकाला देखो। भाई फ्री केला मिला है। ये 2-3 लोग स्टॉल है, अच्छा सेवा कर रहे हैं, और जिनका फास्ट वगैरह उनसे सब फास्ट का फूड दे रहे हैं, तो अच्छा बात है। देखो पानी वगैरह भी दे रहे हैं, बस हम लोगों ने सबसे खिचड़ी खा लिया, अभी थोड़ा पानी पी लेते हैं। एक बज गया है,
एक बज गया, 5 घंटा हो गया अभी तक दर्शन हुए नहीं, अभी तक लाइन है, अभी और मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा लग सकता है, पता नहीं। तो बीच बीच में वीआईपी लोग को भी छोड़ रहे थे, इसलिए शायद टाइम लग रहा है, पता नहीं। और अभी आरती का टाइम होगा तो और वेट करना पड़ेगा, देखते अभी क्या होता है। 1:30 बज रहा है, 5.5-6 घंटा हो गया, अभी जाके हम लोग का चप्पल वगैरह निकाल लें। भाई कहाँ पे फाइनल डेट, अभी तो चप्पल निकाला है, अभी और लाइन है, अभी तो और दूर जाना है। अभी तो चप्पल वगैरह निकालने के लिए था, इन लोगों ने मस्त सुविधा किया था, वहाँ पे चप्पल निकाल दिया। कितना टाइम है इधर से? हाँ कम से कम 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर कितना दूर लिखता है? 140 को ऊपर वाले डोर के पास पहुँच गए, अभी दर्शन नज़दीक आया ऐसा लग रहा है, ऑलमोस्ट पहुँच गए। टाइम देखो 2:21 हो गया है भाई, हम दोनों 8 बजे से लाइन में थे, 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा अभी इसने तो ओंकारेश्वर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 6 घंटा 20 मिनट लगा हम लोग को दर्शन करने के लिए, और 5-6 सेकंड के दर्शन मिले, बट मज़ा आ गया। क्या बोलते हैं भाई? एकदम मस्त मज़ा आ गया, दर्शन वगैरह हो गए प्रॉपर, अभी जाते हैं घर पे। और भाई जो क्रेज है लोगों में आज महाशिवरात्रि के दिन, 6 घंटे का हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम लोग को लगा 1-2-3 घंटा तो लगेगा, बट 6 घंटा थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट भगवान को इतना आसानी से पा नहीं सकते। तो भाई यार क्रेजी दर्शन हो गए, खुशी अलग ही है। इतना टाइम हम लोग सुबह 5:30 बजे हम लोग 6 बजे घर छोड़ा, 5 बजे 5:30 बजे हम लोग ने उठा था, सुबह हम लोग के इधर जो शिवलिंग है वहाँ के दर्शन करके यहाँ आए थे, 2:30 हो गया ऑलमोस्ट, दर्शन हो गए बस यार, अभी घर पर जाके आराम करना है और शाम को देखते हैं और कोई शिव टेम्पल जाते। क्या बोलते हैं भाई? भाई अभी भी लाइन बहुत है, हम लोग जहाँ पे आए थे वहाँ से और डबल लाइन हो गई, पता नहीं उन लोग के दर्शन कभी होंगे। हम लोग तो सुबह 8 बजे लगे थे, अभी 2:30 को दर्शन हो गया है उनको, मेरे को लगता है आज रात होने वाला है। देखो गर्दी देखो कहाँ से है, हम लोग तो 10 बजे इधर थे, हम लोग 8 बजे आए थे, 10 बजे यहाँ पहुँचे थे। अभी ये सिग्नल से लेफ्ट मारोगे तो और गर्दी है।